गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहले तो पीएनसी का डाउट ही टेकअप कर लेते हैं, है ना। फिर एंड में जो सक्सेस बैच में आप लोगों का नहीं हुआ था ना डिवाइजेस का कॉन्सेप्ट, तो उसको टेप देख लेंगे। तो गेम सिक्स, सॉरी टेक्सुअल एक्सरसाइज सिक्स का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, इजंट इट। T6 में जो जो क्वेश्चन मेरे पास में है एज अ डाउट, वो मैं एक एक करके चेकअप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 क्वेश्चन नंबर 2 में तो लगे हैं फ्रॉम अ क्लास कंटेनिंग 25 बॉयज एंड 25 गर्ल्स। ये तो हो गया था सर। ये तो टेक्सुअल सिक्स नहीं हुई है। सिक्स नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा जिसका तो हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ वो लोग देखें कि T6 का क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं। बाइनोमियल वाली लेक्चर में मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट हो गया है। फ्रॉम अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 25 बॉयज एंड 25 गर्ल्स से सम स्टूडेंट्स आर चोजन सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल इज वन मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। तो ऑब्वियस ही बात है कि दी केसेस, अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज वन मोर देन नंबर ऑफ बॉय, तो दिस केसेस विल बी 0 बॉय एंड 1 गर्ल 1 बॉय देन 2 गर्ल 2 बॉयज एंड देन 3 गर्ल्स एंड सो ऑन। एट द मोस्ट यू कैन सेलेक्ट 24 बॉयज एंड 25 गर्ल्स। सो दीज आर द केसेस एंड देयरफॉर नंबर ऑफ सेलेक्शंस कंसिस्ट ऑफ दिस कंडीशन इज इक्वल टू सिग्मा व्हेनेवर देयर आर नंबर ऑफ बॉयज देन आर प्लस वन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 25 CR इनटू एंड 25 CR+1। अब ये सीरीज का जो सम है आर वेरी 0 to 24, ये जो सीरीज का समेशन है वो सेम होगा न्यूमेरिकली इक्वल टू सिग्मा 25C 25 -R इंटू 25 CR+1। मतलब अगर 25 -R नंबर ऑफ बॉयज लेने हैं और R+1 नंबर ऑफ गर्ल लेने हैं, तो जितने केसेस होंगे उतने ही न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी भी आएगी। और इसका मतलब क्या होता है इसको समझो। इसका मतलब होता है कि टोटल 25 -R + R+1 दैट इज 26 लेने आउट ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 26 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 बॉयज एंड 25 गर्ल्स एंड हेंस इट इज इक्वल टू 50C 26 वेज। और इसी को लिखना चाहो तो 50C 24 वेज भी बोल सकते हैं। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा, चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो। दिस वाज द आंसर। इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, मतलब आप ऐसा भी कर सकते थे दैट नंबर ऑफ बॉयज इज के मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ऐसा अगर ऐसा करेंगे तो यहां पर के हो जाएगा, यहाँ पर K+1 हो जाएगा। मतलब अभी इसको अलग से मैं लिख देता हूँ, जो है पहले से उसको नहीं छेड़ते। उसके इसमें 0 के साथ K हो जाएगा, यहाँ K+1, यहाँ K+2। 24 नहीं होगा, लास्ट होगा 25 -K। 25 -K आ जाएगा यहाँ पर लास्ट केस, उसमें के 25 ऐसा।
तो इस वे से जाओगे तो आंसर जो आ जाएगा वो ऐसा आ जाएगा, 25C, 25K+1, 20, एक तो हो जाएगा 25C 25-K, और एक हो जाएगा 25CK। सॉरी, 25-R और ये हो जाएगा K+R। फिर सिंप्लीफाई करके वही 25+K हो जाएगा, 50C 25+K, ये आंसर आ जाता है जनरल केस में। एनीवे, इसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 4, सेम सेम एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि अनान कंटेन्स 3 रेड पेन 4 ग्रीन पेन। एक अर्न है जिसमें 3 रेड पेन है, 4 ग्रीन पेन है एंड 6 येलो पेन्स। आई रिपीट, 3 रेड 4 ग्रीन एंड 6 येलो। द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 4 पेन्स फ्रॉम द अर्न। नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 4 पेन्स विद अ कंडीशन दैट इफ एटलीस्ट 1 रेड पेन इज चोजन, टेकिंग एटलीस्ट 1 रेड पेन इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ, ऑल द पेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्वेश्चन है। अब ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आपने बोला था ना कि हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट अ कमिटी ऑफ 4 out of 5 boys and 4 girls टेकिंग एटलीस्ट 2 girls, तो उसमें केस एनालिसिस करते थे। तो यहां पर दो कैटेगरी कर दो, रेड एंड नॉन रेड, ठीक है। तो हमारे पास चॉइसेस क्या होंगी अगर मैं बोलूँ रेड पेन एंड नॉन रेड पेन के रेस्पेक्ट में अगर हम कैटेगराइज करें, तो चॉइसेस क्या है हमारे पास? एटलीस्ट वन वाला है तो मतलब उसमें टोटल केसेस माइनस जिसमें रेड ना ले वो कर दे सीधा। हाँ, वो भी तो वो भी कर सकते हैं ना कि मतलब एटलीस्ट वन है तो माइनस कर देंगे वो केस जिसमें आर हो ही ना। हाँ, वो भी कर सकते हैं, कंपल्स बिल्कुल कर सकते हैं। या अगर वैसे नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 रेड से स्टार्ट करेंगे तो 1 रेड एंड लेने कितने, 4, टोटल 3 नॉन रेड 2 रेड एंड 2 नॉन रेड एंड 3 रेड एंड 1 नॉन रेड, 4 रेड ले नहीं सकते। ये तीन केस से करेंगे तो आंसर ऐसा आएगा, 3C1 × 10C3 + 3C2 × 10C2 + 3C3 × 10C1। यहां से आंसर जो आएगा वो कैलकुलेट कर लो तो भी आ जाएगा, और अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से करना चाहते हो तो भी वो भी कर सकते हो। ये क्या आया पहले ये बता दो, 10C3 का मतलब क्या होता है? 120 × 3 = 360, ये हो गया। 3C2 3 और 10C2 का मतलब 45 होता है, ये 110 हो गया। तो फाइनल आंसर जो आया वो 360 + 145, तो आ जाएगा 405 वेज। चेक इट आउट, 405 है कि 505 है? 505, सॉरी, 505 वेज है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से तुमने बोला तो वो हो गया तुम्हारा कि टोटल हमारे पास में 13 है, तो 13 में से 4 सेलेक्ट कर लो
माइनस नो रेंज टेन सी फोर हो जाएगा माइनस टेन सी फोर यस तो भी आपका देखो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का मतलब है 24 10 सी 4 का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 24 तो बेसिकली जो वैल्यू यहां से आएगी देखो तो आएगी 65 इंटू 11 65 इंटू 11 इज 210 तो आप देख लो अगेन यू विल गेट 505 इज फोर्थ के बाद तुम्हारा नेक्स्ट था 10th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 10th क्वेश्चन क्या है 10th क्वेश्चन बेटा बोल रहा है ये भी तुम्हारा TE6 का ही है द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट n एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंटीजर m इंटीजर है और n भी इंटीजर है तो बोल रहे हैं कि फॉलोइंग में से कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है पहले देखो m n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल की पावर m ये क्या है कैन यू आइडेंटिफाई इसको इस फॉर्मूले को पहचान रहे हैं आप इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एम एन ऑब्जेक्ट्स को एन एम ग्रुप्स में इक्वल साइज के यस एम एन ऑब्जेक्ट्स टू एन इक्वल ग्रुप्स इक्वल अननेम्ड ग्रुप अननेम्ड ग्रुप्स जिन ग्रुप्स का कोई नेम ना हो तो ये होता क्या है कि पहले एम एन को एन ग्रुप करोगे तो हर एक ग्रुप में एम ऑब्जेक्ट होंगे तो ऐसा कुछ होगा ना कि वह एन इक्वल है तो एन फैक्टोरियल से डिवाइड होगा इनटू एम एन में से पहले एम ले लिया फिर एम एन माइनस वन इतने बच्चे उसमें से फिर एम ले लिया फिर एम एन माइनस टू चले गए फिर m ले लिया ऐसे चलते जाएंगे तो यही वाला फार्मूला बनेगा और नंबर ऑफ वेज इज ऑलवेज देयरफॉर इट शुड बी इंटीजर इट इज ऑलवेज इंटीजर क्योंकि नंबर ऑफ वेज जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकते इसी तरह से जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनको भी देख लो ए ऑप्शन तो क्लियर क्लैरिफाई हो गया इंटीजर है बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन इसी तरह से देखो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंटीजर तो ए तो करेक्ट हो गया बी में क्या दिया एन एन स्क्वायर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल की पावर एन माइनस वन व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ये इंटीजर हो सकता है कि नहीं फटाफट बोलो सर हो सकता है आर्गुमेंट दो सर वही जैसे ऊपर वाला था इसमें इसको n फैक्टोरियल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको किसको
सर बी पार्ट में एन फैक्टोरियल के स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही ए पार्ट वाला इनटू एन फैक्टोरियल का स्क्वायर आ जाएगा। बी में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो? यस सर। बी में तुमने किस फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला? एन फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये लोग कर दिया एन फैक्टोरियल का स्क्वायर कर दिया, फिर क्या हुआ? सर फिर जो नीचे तो आ गया एन फैक्टोरियल की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टोरियल और ऊपर अब आ गया, तो ये जो है तुम्हारा हो गया नीचे नीचे तो हो गया एन फैक्टोरियल होल टू द पावर एन इनटू एन फैक्टोरियल, बिल्कुल सही। ऊपर क्या हुआ? एन इनटू एन फैक्टोरियल मतलब एन इनटू एन होल का फैक्टोरियल। ए फैक्टोरियल सर मैं वो जो n स्क्वायर है उसको कह रहा हूँ, n into n फैक्टोरियल लिखते हैं। तो उसको अगर तुम लिखते हो n फैक्टोरियल n into n का होल फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल का स्क्वायर। यस सर। और इसको m इक्वल n मतलब कि यहाँ पर m और n को इक्वल कर दो अगर। यस सर। इसको m इक्वल टू n कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा n फैक्टोरियल की पावर n प्लस वन, n फैक्टोरियल की पावर n इंटू n फैक्टोरियल ऐसा आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या आया तो n फैक्टोरियल को होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये भी इंटीजर होगा, मस्ट बी इंटीजर। समझ में आया कैसे इंटीजर हुआ? बिकॉज ये इंटीजर है और इसी में m को n पुट कर दो तो जो क्वांटिटी आती है वो इंटीजर है, और उस क्वांटिटी में n फैक्टोरियल का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी इंटीजर इनटू इंटीजर विल बी ऑलवेज इंटीजर। और इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग पार्ट को भी चेक कर लेंगे। अब तो समझ में आ गया कैसे चेक करना है। Yes. जैसे इन्होंने एक और दिया हुआ है सी पार्ट में जो दे रहे हैं उसको भी देख लो, ऐसे बोल रहा है कि एन है, एन प्लस वन है, एन प्लस टू है, एन प्लस थ्री है, ऐसे फैक्टर कहाँ तक है? एन प्लस आर माइनस वन है एंड डिवाइडेड बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल, और बोल रहे हैं कि इंटीजर है कि नहीं। तो आप जानते हो कि r कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा r फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। तो ये कितने कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं? कितने कंसेक्यूटिव इंटीजर न्यूमरेटर में है? r माइनस वन प्लस वन r फैक्टोरियल, ये r कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अगर यहाँ r फैक्टोरियल होता तो डेफिनेटली डिविजिबल होता, r प्लस वन फैक्टोरियल होता इसके बारे में आप नहीं बोल सकते कि ये होगा ही होगा हमेशा, कुछ कंडीशंस में हो भी सकता है। इसी तरह से लास्ट वाला भी देख लेना। तो a और b तो कंफर्म है, श्योरली सही है, ठीक है। और किसी में अगर डाउट है तो बोल देना। अब जैसे डी वाला पार्ट है ना, डी वाला पार्ट में जैसे इन्होंने बोला एम फैक्टोरियल है प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन का फैक्टोरियल, ये चीज इंटीजर है या नहीं? आप कई बार कैसा भी कर सकते हो कि आप वैल्यू लेके भी देख सकते हो। जैसे एम एम फैक्टोरियल को आपने कुछ मान लिया, वन मान लिया, वन एम को वन मान लिया और एन को थ्री मान लिया मान लो, तो एम m plus m factorial plus n factorial numerator क्या हो जाएगा? ये तो देखिए रहा नीचे वाली term बड़ी हो जाएगी। हाँ obviously ये बड़ा हो जाएगा 4 factorial, तो ये not true, तो ये तो ऐसे reject हो जाएगा। इसके बाद आपका doubt था जी 13th question, 13th से पहले किसी कोई doubt तो नहीं है? नहीं सर।
ठीक है, 13 बोला, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट अ केस इन अ ग्रुप ऑफ 8 प्लेयर्स, 4 प्ले ओनली फुटबॉल while 4 other play cricket and football as well. Number of ways in which 4 players can be selected so that there are at least 2 cricketer and 1 footballer. तो आपके पास में क्या है कि पहले तो total 8 player है जिसमें 4 footballers हैं and आपके पास में 4 हैं जो क्रिकेटर भी हैं एंड फुटबॉलर भी है, इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी, मतलब दे कैन प्ले बोथ द गेम्स, दीज आर द फुटबॉलर्स दैट कैन नॉट प्ले क्रिकेट एंड दीज आर द क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर बोथ. अब इन्होंने बोला कि हमें चाहिए कितने, आउट ऑफ दीज 8 प्लेयर्स 4 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 such that at least 2 cricketers and 1 footballers, at least 2 cricketers and 1 footballer. अब आप बताओ इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे हम, अब यहां से केसेस सोचो, कम से कम 2 क्रिकेटर चाहिए आपको, कम से कम 2 क्रिकेटर, 3 क्रिकेटर, 4 क्रिकेटर, हाँ तो यहाँ क्रिकेटर पे कंडीशन लगाओ, कम से कम 2 क्रिकेटर चाहिए तो 2 लेंगे, और क्रिकेटर यहाँ से तो आएगा नहीं, यहीं से आएगा, 2 क्रिकेटर होंगे या फुटबॉलर की वो दिक्कत नहीं होगी, उनमें से ही फुटबॉलर भी हैं 2, हाँ तो 3 क्रिकेटर या 4 क्रिकेटर. अब 2 क्रिकेटर लेते हैं तो 2 क्रिकेटर एंड 2 फुटबॉलर हो गए, दो ये जो 2 क्रिकेटर है 2 फुटबॉलर भी हैं, तो एटलीस्ट 1 फुटबॉलर वाला काम तो कंप्लीट हो गया, सेटिस्फाई हो गया जरूर. तो यहां से हमने क्या लिया, 2 फुटबॉलर ले लिया, 4 कंप्लीट करने, यहां से है तो 1 ले लिया, यहां 4 है तो यहां से 0 ले लिया, 4 ही लेने थे, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती क्योंकि क्रिकेटर का नंबर कम से कम 2 तो रख नहीं सकते. तो आंसर क्या है भाई, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ 4C2 इंटू 4C2 प्लस 4C1 इंटू 4C3 प्लस 4C0 इंटू 4C4. सो नेट वैल्यू इज 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 कितना आ गया भाई, 36 प्लस 20 इट इज इक्वल टू 56 स्पेस. चेक इट आउट, कोई केस छूटा तो नहीं, यही पूछा था, कुछ और पूछा था. डी विल बी द आंसर, इसका आंसर चेक करो जरा तो बेटा फटाफट. एक बार इसका आंसर जरा नीचे करो. यस सर, डी है. ठीक है, लेट मी चेक इट वंस मोर. ये था ना तुम्हारा, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था इसके अलावा, कौन सा क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 15, 15th क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 15th वाज नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर दैट कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड IIT JEE. अब यहां पर देखो IIT JEE, यहां से हमें कितने लेटर्स लेने, इसमें देखो तो देर आर 2i and 2e and 1j and 1t, और हमें लेने हैं नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ फोर लेटर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब मल्टी सेट से सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो जब रिस्ट्रिक्टेड नंबर चूज करना होता है तो वो टफ होता है, क्योंकि उसमें केस एनालिसिस आएगी या तो कोएफिशिएंट मेथड आएगा, और अगर टोटल पॉसिबल सिलेक्शन है दैट्स वेरी इजी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जी, केस एनालिसिस करेंगे। सर ये तो फिर भी इजी है सर, गेम में सर जो एक गेम थी उसमें तो इतने बड़े बड़े वर्ड्स थे सर, प्रोपोर्शन टाइप ये। हाँ, तो सर वो भी हो जाता है, वो भी केस एनालिसिस से भी हो जाता है बेटा, और कोएफिशिएंट मेथड से भी जब कराऊंगा, जब आपका बाइनोमियल खत्म हो रहा है ना तो उसी के एंड में कराऊंगा उसको, इनफिनाइट सीरीज जैसे डिस्कस करूंगा, नेगेटिव एक्सपेंशन डिस्कस करके फिर वो कराया जाएगा आपको, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि चार लेने हैं, तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है कि एक केस तो ये होगा, टू आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल एक टाइप के एंड टू आइडेंटिकल अनदर टाइप के। फिर दूसरा केस होगा टू आइडेंटिकल एंड टू डिफरेंट, ऐसे दो केस होंगे। और दो आई तो ए। तीसरा केस होगा ऑल डिफरेंट। अब जो टू आइडेंटिकल का तो आपका सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी एक ही है ना, दो आई ले लेंगे आप और दो ई ले लेंगे। तो अगर आपसे बोलेंगे नंबर, ये तो हो गया केसेस, ये कंडीशंस, अब यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस और फिर लिख दो नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी लिख दो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो सिलेक्शन एक ही सिलेक्शन है और अरेंजमेंट कितने होंगे, तो चार हैं जिसमें दो एक जैसे दो ऐसे, 4 factorial by 2 factorial to 2 factorial। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, हमें सिर्फ ये काउंट करना है, बट हम पूरा ही लिख दे रहे हैं क्योंकि किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो भी पूछ लिया जाए। अगला, दो आइडेंटिकल दो डिफरेंट। तो अब दो आइडेंटिकल लेने के दो वेज हैं, 2C1 ways, क्योंकि दो आइडेंटिकल के दो ग्रुप हैं, इनमें से कोई एक ग्रुप ले लिया तो या तो आई आई लेंगे या तो ई ई लेंगे। तो ये दो वेज हैं। और फिर दो और लेने हैं जो रिस्पेक्टिवली वो दो डिफरेंट लेने हैं। दो डिफरेंट लेने के बचे हुए तीन डिफरेंट वैरायटी के लेटर, उनमें से दो 3C2 ways, मतलब तीन वेज, हर एक के करस्पॉन्डिंग तीन वेज। जैसे यहां पर हम क्या डाल सकते हैं, तो या तो हम ई J डाल सकते हैं या E I डाल सकते हैं या ET डाल सकते हैं या JT डाल सकते हैं। यही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे तीन पॉसिबिलिटी यहां भी हो जाएंगी, यहां पर ये तीन पॉसिबिलिटी हो जाएंगे ऐसे। क्या क्या पॉसिबिलिटी तीन होगी बोलो, आई जे आई टी जे टी। तो ऐसे 3 × 2, तीन इसके लिए तीन इसके लिए, छह सिलेक्शन हो गए। और फिर ये 3C2 मतलब 3 × 2 6 सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाय, हर एक सिलेक्शन का परम्यूटेशन होगा 4 factorial by 2 factorial, ऑल डिफरेंट। तो टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4 ही तरह के लेटर हैं। तो ऑल डिफरेंट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या एक आई लेना पड़ेगा, एक टी, एक जे, एक ई। तो 1 selection and 4 factorial arrangement। अब कोई आपसे बोलता है कि नंबर ऑफ टोटल selections, तो सिलेक्शन कितने हुए थे, 1, 6, 2, 8 selections, टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे। तो ये देखो तो ये 24 by 4 6 है, ये तुम्हारा 24 by 2 12 6 72 है और ये 24 है। तो टोटल ऐड करो तो ये 24 + 6 is 30, 30 and 72 102। यही आंसर है सर, 102। 102 इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है जी। तो दिस वाज द क्वेश्चन, यू प्लीज लुक इनटू द क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। क्वेश्चन जो था वो यही था कि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 18 था 15।
आगे बोलो आगे बोलो। इसके अलावा कौन सा डाउट था, कौन से क्वेश्चन में डाउट था? 20 और 21। ठीक है, ये इसका आंसर 102 था। ठीक, फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 और 25। 20 and 21. Okay, 20. 18 guests have to be seated, half on each side of a long table. 20th है जी। एटीन गेस्ट हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल है मान लो, और उस रेक्टेंगुलर टेबल के एक साइड पर आधे बैठने, एक साइड पे आधे बैठने हैं, मतलब नौ एक साइड बैठने हैं ऐसे। ऐसे नौ इधर बैठने हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया, फोर पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। फोर पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। चार ऐसे गेस्ट हैं मान लो, G1, G2, G3 और G4। ये भाई साहब इनकी कंडीशन क्या है, बोल रहे हैं हम तो भाई इधर ही बैठेंगे किसी एक पर्टिकुलर साइड, उन्होंने पहले ही सेलेक्ट कर ली भाई मैंने तो इधर ही बैठना है। मान लो ये वाली साइड है, ठीक है, ये S1 साइड है और ये S2 साइड है, तो चार मान लो दे विल ऑलवेज बिलोंग टू S1 साइड एंड थ्री अदर ऑन दी अदर साइड, और तीन ऐसे हैं दैट इज मान लो G5, G6 और G7। वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो इस वाली साइड बैठेंगे S2 साइड में। नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड। अच्छा, जो रिमेनिंग गेस्ट हैं कितने, 7 के अलावा रिमेनिंग 11, रेस्ट 11 हैव नो रिजर्वेशंस, मतलब है G8 से लेकर के G18 तक, वो बेचारे सीधे से हैव नो प्रेफरेंसेस, जहां बिठा दूंगा वहां बैठ जाएंगे। कीपिंग दिस इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं कि टोटल कितने डिफरेंट वे से अरेंज सीटिंग अरेंजमेंट किया जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। आपने क्या करना था, ये नौ में से चार सेलेक्ट करो, नौ में से चार S1 साइड के, नौ में से चार सेलेक्ट करो फ्रॉम S1, चूज फोर एंड फ्रॉम S2 चूज थ्री। चार सेलेक्ट करके ये चार साहब लोगों को वो चार में बैठाएंगे फोर फैक्टोरियल वे से, और S2 में से तीन सेलेक्ट करके और उसमें से तीन इनको बिठा दो थ्री फैक्टोरियल वे से, एंड बचे कितने टोटल हैं, टोटल बच गए 11। वो 11 गेस्ट को 11 रिमेनिंग प्लेसेस पे 11 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दो, दैट्स इट, सिंपल। तो आंसर आ गया जी, यही आंसर है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊं, 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, × 9 × 8 × 7 × 11 फैक्टोरियल, या ऐसे लिखो या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 4 × 5 × 4 × 9 × 3 × 6 × 3 × 11। So you'll see that 3 factorial goes with 3 factorial, 4 factorial with 4 factorial, and answer is 9 factorial ka whole square multiplied by 11 factorial divided by 5 factorial into 6 factorial. Now check out which answer matches with the our answer calculated.
So the answer is 11 into 9 factorial square. B option is correct. This was question number 20, 21 की भी बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से. 21st question क्या है जी? बोल रहे हैं there is a triangle ABC, you can have the triangle and the sides of a triangle have 4, 5, 6 interior point. Here are 4 interior points. And here is 5 interior points. And there is 6 interior points. आगे क्या बोला गया? The sides of a triangle have 4, 5, 6 interior points in them. Number of triangles that can be constructed using these internal points as As a vertices of triangle. तो मैं बोलूंगा देखो ऐसा है. Interior points तो triangle के अंदर नहीं होंगे. नहीं 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 ऐसा नहीं. The sides of triangle have 4, 5, 6 interior point. Triangle doesn't have 4, 5, 6 interior point. But the sides of the triangle. Are you getting my point or not? अगर ये PQR triangle है, तो इसकी side क्या हुई? PQ, QR and PR. These sides have respectively 4, 5 and 6 interior points. I hope you got it. Yes, sir, अब तो हो ही जाएगा. तो इसके बाद में और कुछ नहीं था, इंटरप्रिटेशन का ही थोड़ा चक्कर हुआ था. अब आंसर तो आंसर ही बता दो, हो जाएगा कि अब आंसर लिख दो जल्दी से. 15C3-4C3-6C3-5C3. यस यस, आप अगर मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से करेंगे तो टोटल ये 15 पॉइंट हैं. तो 15 में से 15 में से कोई भी 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा, बट उसमें कुछ ट्रायंगल्स एक्सक्लूड होंगे. जैसे ये 5 से अगर 3 आ गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ये 4 से 3 सेलेक्ट हो गए तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि कोलिनियर है, और वो 6 से भी 3 आएंगे तो कोलिनियर होंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा. तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मड इज दिस एंड देयरफॉर द आंसर. चेक इट आउट, देख लो कौन सा आंसर है इसमें से. क्या आया? 4C3+5C3+6C3. 5C3 is 5C2, 10. 4C3 is 4. 6C3 is 6 into ये हो जाएगा 6 into 5 into 4 by 6 20. 15C3 total कितना है? 21 है सर आंसर पीछे. हाँ हाँ ठीक है. 15 into 14 into 13 divided by 3 factorial हुआ ना ये. तो 3 factorial को तो 3, 5 and 7 जा. अगर 5 into 91 minus 34. numbers. ठीक है जी, क्लियर है, आगे चलिए. तो गेम 6 में तो और कोई डाउट नहीं है. गेम सेवन में क्या क्या डाउट था बताओ. मेरे पास तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, बाकी जनता. गेम 7 में बोला गया 8th क्वेश्चन. और है 15th क्वेश्चन.
और है 16th क्वेश्चन, ठीक है? नहीं है सर, और पे नहीं है। 8th क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड? सॉरी T7 है, गेम 7 नहीं, T7 एक्चुअली साइज 7 का। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 1? डिजिट अवेलेबल है 1 1 2 3 4 and 0, टेकन 4 एट ए टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम। इन डिजिट में से 4 एट ए टाइम लेकर के 1000 से बड़ी कितनी नंबर्स बनाई जा सकती है? ओके हाँ बताओ क्या करना चाहिए, कैसे होगा? चार नंबर लेकर के, इसमें से चार ही लेनी है और 1000 से बड़ी नंबर बनानी है, मतलब चार ही डिजिट की नंबर बनेगी साहब। सर इसमें ना इश्यू जीरो क्रिएट करता है। अरे इशू तो प्रॉब्लम है तो इशू तो क्रिएट करेगा वो, तो गया सर क्वेश्चन, मतलब मेन इसमें प्रॉब्लम जीरो की थी सर, ये चार डिजिट की नंबर बनानी थी। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि वो चार डिजिट की नंबर जो बनेगी उसमें यहां पर जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो तो यहां हम फिल कर नहीं सकते, तो इस जगह को फिल करने के हमारे पास कितने वेज हैं? इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास में वैसे तो चार तरीके हैं, या तो आप वन प्लेस करेंगे, या तो टू प्लेस करेंगे, या तो थ्री प्लेस करेंगे, या तो फोर प्लेस करेंगे, ठीक है जी? अगर इस जगह पर वन प्लेस करते हो आप, अगर यहां पर वन प्लेस करते हो तो ये रिमेनिंग तीन प्लेसेस के लिए आपके पास क्या चॉइसेस हैं? तीनों डिस्टिंक्ट, फोर इंटू थ्री, हाँ मतलब 4P3, रादर 5P3, यस ठीक है? तो अगर यहां पर इस जगह पर अगर आप वन रखते हो तो 5P3 वेज हो जाएंगे, और इस जगह पर अगर आप वन के बजाय टू रखते हो या थ्री रखते हो या फोर रखते हो तो उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या चॉइस है बताओ? आंसर सुनने के बजाय पार्टिसिपेट करो और बताओ। अगर यहां पर मैंने टू रखा, तीन वेज हैं, या तो टू रखूंगा या तो थ्री या तो फोर रखूंगा, तो उन सभी के सिचुएशन में अगर मैं थ्री वेज लिख दूं, इस जगह को फिल करने के लिए थ्री वेज हैं, तो थ्री वेज मतलब हम क्या क्या बात कर रहे हैं, या तो यहां पर टू होगा या तो थ्री होगा या तो फोर होगा, इनमें से कोई भी लेटर जब आपने प्लेस किया तो आपके पास जो रेस्ट ऑफ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टू डाला, टू इस जगह के लिए, तो आपके पास रिमेनिंग क्या लेटर्स हैं? 1 3 4 0, और यहां पर वन दो बार है, दो वन बचे हुए हमारे पास में, दो वन बचे हुए हैं और तीन बचा हुआ, चार बचा हुआ, जीरो बचा हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? एक केस तो बात कर सकते हैं कि भाई दोनों वन ले लिए या खाली एक वन लिया। हाँ एक केस हम ये ले लें कि हम दो वन, अब इसमें सब केस बनेंगे, दो वन और एक डिफरेंट नंबर लें, 1 1 and x, ऐसे कोई नंबर ले लें और उसको यहां पर परम्यूट कर लें, तो ऐसे हमारे कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? कैन यू टेल मी? 3 into 3 factorial by 2। हाँ पहले तो आप बोलेंगे कि x के लिए हमारे पास में तीन चॉइस है, या तो x 3 होगा या तो 4 होगा या तो 0 होगा, और इसके लिए हमारे पास तीन वेज हो गए,
और जो तीन का ग्रुप बना जिसमें दो आइडेंटिकल एक डिफरेंट है उसको अरेंज करने के लिए 3 factorial by 2 factorial वेज है, तो इसको अरेंज करने के हमारे पास आया 3 factorial by 2 factorial multiplied by 3 ways। ठीक है, दो आइडेंटिकल वन लिया तो ये सब केस वन हो गया, और सब केस टू क्या हो जाएगा, सब केस टू जो हुआ वो हुआ जब हमने तीनों डिफरेंट डिजिट लेनी पसंद करी तो एक वन को ड्रॉप कर दिया, 1 4 3 4 0 4 P3 ways। अब ये दोनों और है, मतलब एक टू के कॉरेस्पॉन्डिंग इतनी पॉसिबिलिटीज हुई, ऐसे ही तीन पॉसिबिलिटीज हैं हमारा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हुई ये बताओ। ये हमारा केस ए था और ये केस बी था, और बी में हमारे दो सब केसेस बन के सॉल्व हुए, तो फाइनल आंसर क्या आया जी, फाइनल आंसर हुआ नंबर ऑफ टोटल नंबर्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू, पहले केस में तो 5P3 है, 5P3 ऐसे लिख दो 5 factorial by 2 factorial, प्लस दूसरे केस में 3 multiplied by, ये आंसर कितना हुआ, ये आंसर कितना हुआ 9, अरे 6 by 2 is 3, 3 is 9, yes, sir, 9, और ये वाला आंसर कितना हुआ 4P3 मतलब 4 factorial by 1 24. factorial 24 24 प्लस 9 कितना हुआ 33 into 3 कितना हुआ 99, 120 by 2 60 हो गया ये, और ये हो गया 99 हो गया 151, yes, sir. तो मैं तो इतना लंबा मेथड कर दिया था, तो पता नहीं क्या क्या कर दिया था तुमने, आंसर तो आ गया था बट वो काफी लंबा हो गया था सर, अलग कर दिया था काफी लंबा में भाई, ज्यादा लंबा मैंने भी तो बहुत डिस्क्रिप्टिव ही किया, सिर्फ ये है कि तुम यहाँ पर एक बार 2 ले लो, एक बार 3, एक बार 5 और हर एक में केसेस बनाओ तो वो लंबा हो जाएगा। एनीवे जो तुमने किया था उसको एक बार दिखा देना मुझको, थोड़ा पता चले कि तुम कैसे क्या सोच रहे हो। एनीवे 8th क्वेश्चन के बाद में 15th क्वेश्चन देखो बेटा, 15th ओके 15th क्वेश्चन जो था वो था द टोटल नंबर ऑफ 6 digit numbers x1 x2 x3 x4 x5 x6 हैविंग द प्रॉपर्टी दैट x1 लेस देन x2 लेस देन इक्वल टू x3 लेस देन x4 चलो देख लेते हैं इसको। सर इसमें आइडिया से तो आया था बट फिर वो हुआ नहीं, आइडिया क्या आइडिया था बताओ, अपने विचार व्यक्त करो पहले। सर कि भाई हर एक नंबर के लिए एक ही वो बनेगा भाई, मतलब हर एक सेट ऑफ डिजिट्स के लिए एक नंबर मिलेगा हमें जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, ऐसा क्या सच में ऐसे ही होगा? 6 digit के नंबर है x1 x2 x3 x4 x5 x6 देखो इन्होंने दिया x1 is less than x2 is less than equal to x3 is less than x4 is less than x5 less than equal to x6। एक्चुअली देखो यहाँ पर दो केसेस हैं, एक्चुअली अगर मैं बोलू ना तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज टोटल देखो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हैं और दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हैं, तो टोटल 4 केसेस अराइज होंगे, 4 केसेस विल अराइज। एक केस होगा x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5 लेस देन x6। एक केस होगा x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन x5 एंड इक्वल टू x6। एक केस होगा x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 एंड इक्वल टू x3 होगा, सॉरी यहां पर लेस देन वाले दो केस हो गए, तो इक्वल टू x3 लेस देन x4 लेस देन x5 एंड लेस देन x6, और एक हो जाएगा x1 लेस देन x2 इक्वल टू x3
लेस देन एक्स फोर लेस देन एक्स फाइव लेस देन नहीं इक्वल टू एक्स सिक्स। हेलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सर? अब हो जाएगा क्या? देखो देखो होता है कि नहीं इसके बाद। अब देखो हमें ये छह डिजिट की नंबर बनानी है, ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास डिजिट्स क्या है, जीरो से नाइन, जीरो से नाइन डिजिट है। अच्छा एक्स वन सबसे छोटी नंबर है, जीरो तो शायद नहीं, एक्स वन सबसे छोटी नंबर है, तो सिक्स डिजिट बनानी है तो फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ नहीं सकता और फिर बाकियों पे भी नहीं है। तो जीरो तो आप भूल ही जाओ, जीरो तो कहीं नहीं डाल सकते हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज यहां पर जीरो हम डाल नहीं सकते और बाकी सारे डिजिट इससे बड़ी या इक्वल है, बड़ी ही है, तो हम जीरो नहीं डाल सकते। तो हमारे पास डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये डिजिट्स हैं, सेट ऑफ सिंबल्स आर डिजिट्स जो हमें इस्तेमाल करना है छह डिजिट के नंबर बनाने के लिए। अच्छा जो पहला केस है इसका आंसर तो बहुत क्लियर है, पहले केस का आंसर तो बहुत क्लियर है कि छह की छह डिजिट डिस्टिंक्ट नौ में से छह ले लो बस, और उनको अरेंज करने का बस एक ही तरीका है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे लेफ्ट से राइट। दूसरा केस जो है जिसमें हम नौ में से पांच लेंगे, कोई पांच नंबर ले लेंगे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, जो सबसे बड़ी नंबर है उसको रिपीट करके लिख देंगे। तीसरा केस है जिसमें हमें नौ में से फिर से पांच लेंगे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और जो सेकंड वाली डिजिट है सेकंड वाली नंबर उसको एक बार रिपीट कर देंगे, उसी को दोबारा फिर से लिख देंगे, एक्स टू और एक्स थ्री सेम। और चौथा केस है जिसमें हम नौ में से चार लेंगे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स फोर एंड एक्स फाइव, फिर एक्स टू को रिपीट कर देंगे और एक्स फाइव को रिपीट कर देंगे, तो एक ही तरीका है उसका भी। तो देयरफॉर द आंसर इज नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड क्या हो जानी चाहिए, नाइन सी सिक्स प्लस नाइन सी फाइव प्लस नाइन सी फाइव प्लस नाइन सी फोर, ये दोनों मिलके बनेंगे 10C6, ये दोनों मिलके बनेंगे 10C5, फिर पास्कल रूल से ये दोनों फिर क्लब होंगे बनेंगे 11C6 10C6 ना 11C6। नेट आंसर, आंसर क्या है बताओ, आंसर चेक किया? यही आना चाहिए आंसर, और कुछ नहीं पॉसिबल है। सी आंसर करेक्ट है 11C6। इसके बाद क्या पूछा था आपने? 15 के बाद 16th। यस सर। द नंबर ऑफ टाइम द डिजिट 5 विल बी रिटन व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। 1 से लेकर के 1000 तक नंबर्स अगर लिख रहे हो, T7 का क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 1 से लेकर के कहां तक? थाउजेंड तक, मतलब 3 डिजिट की नंबर तक की बात कर रहे हैं। एक डिजिट की नंबर, दो डिजिट की नंबर और 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, और बोल रहे हैं कि कितनी बार 5 आएगा।
फाइव डिजिट को कितनी बार इस्तेमाल किया गया। तो अगर मैं बोलूं कि तीन डिजिट की नंबर बना रहे हैं आप, थ्री आर लेस डिजिट की नंबर बना रहे हैं, तो कितनी नंबर ऐसी होगी जिसके यूनिट प्लेस पर फाइव आएगा? यूनिट प्लेस पर फाइव आएगा। तो मैंने बोला कि फाइव अगर यहां मैं फिट कर दूं, यूनिट प्लेस की डिजिट पे फाइव डाल दूं, तो कितने तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूं? रेपिटेशन अलाउड है, कितने वे से अरेंज कर सकता हूं? कीपिंग फाइव फिक्स्ड एट यूनिट प्लेस, हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज द रेस्ट टू प्लेसेस? 9 into 10 बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है? अपने थ्री डिजिट का था ना सर, अप टू थ्री डिजिट। फिर तो सर 10 into 10 10 into 10 मतलब है 100 है। मतलब 100 टाइम्स यूनिट डिजिट पर 5 आएगा, मानते हो इस बात को? यस सर। इसमें अगर 0 0 डाल दो वो भी काउंट हो गया, इसमें अगर 0 1 डाल दो, 0 2 डाल दो, 0 5 डाल दो, सब काउंट हो गया, सारे केसेस काउंट। मतलब दो डिजिट की नंबर भी काउंट हो रही है, तीन डिजिट की नंबर भी काउंट हो रही है। अच्छा, ये यूनिट प्लेस पर है कि नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल अकर एट यूनिट प्लेस। एंड इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ टाइम्स 5 अकर्स एट टेंथ प्लेस, इस प्लेस पे 5 कितनी बार होगा? इस प्लेस पर यहां 5 रख दिया, यहां पर 5 रख दिया और रेस्ट दो प्लेसेस को काउंट किया, तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। एंड लास्ट सर, फिर इसमें ओवर काउंटिंग नहीं हो जाएगी बहुत ज्यादा? पहले कर लेते हैं। yes, मैं भी वही कह रहा था कि काफी केस ज्यादा हो गए, अभी कर लेते हैं यार, और गलती होगी तो उसको सोचने का तरीका भी निकलेगा ना। नंबर ऑफ टाइम्स 5 अकर्स एट विच प्लेस? 100 प्लेस। वो कितना हुआ? वो भी 100 हो गया। तो अभी तक टोटल कितने हुए हमारे? 300 हुए। अब मुझे बताओ, हाँ अब बताओ, ओवर काउंटिंग कहाँ कहाँ पर हो रही हो, फिगर आउट करो। सर आंसर भी 300 ही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आंसर तो 300 ही है, लेकिन पहले बताओ ओवर काउंटिंग कहाँ हो रही है, बताओ, मैं समझाता हूँ। ये केस का ये है, ये केस का ये है, ये केस का ये, कहाँ पर ओवर काउंटिंग हो रही है बताओ। सर जैसे पहले में हमने जैसे दोनों यूनिट प्लेस पे 5 है सर, तो बाकी दोनों के लिए 10 10 वेज लिए हैं, तो सर उसमें एक मतलब उसमें वो वेज भी तो आएंगे जिसमें 10th पे 5 होगा, और हमने सेकंड में भी 10th पे 5 ऐसे तो, मतलब रिपीट। अरे नहीं रुक जाओ ना, मान लो इसमें एक केस आया कि 0 5 5, ये केस आ गया, तो इस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमने एक ही 5 काउंट किया ना, यहाँ पर हमने तो यूनिट डिजिट वाला 5 काउंट किया। अब 0 5 5 का जो टेंथ प्लेस वाला 5 है वो तो ये सेकंड केस में काउंट हो रहा है, हम तो टोटल नंबर ऑफ नंबर काउंट कर रहे हैं ना। अगर हम इसको 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 या 3 करते तब मान सकते थे कि जितनी नंबर में काउंट कर रहा हूं उसमें 5 किसी में 2 बार है, किसी में 3 बार है। तो आई डोंट माइंड कि ये जो 100 नंबर बनी कीपिंग दिस प्लेस एज 5, उस 100 में 5 है या नहीं है, I'm not at all bothered about it, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ 100 नंबर फॉर्म हो रही हैं और वो 100 के 100 नंबर में 5 यहाँ तो है ना, हम इसी 5 को काउंट कर रहे हैं, यूनिट प्लेस वाले 5 को काउंट कर रहे हैं कि 100 105 मेरे को यूनिट प्लेस पर यहाँ मिल गए।
ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, अब जब यहाँ हमने किया तो हमने इंश्योर किया कि ये वाला प्लेस फाइव हो, टेंथ प्लेस देखे सर हमने। हाँ, तब यहाँ हम टेंथ प्लेस का फाइव काउंट कर रहे हैं। अब उसमें ऑब्वियसली ये वाली नंबर जो यहाँ काउंट हुई यहाँ भी काउंट होगी, लेकिन यहाँ हमने उसका यूनिट प्लेस वाला फाइव काउंट किया था, यहाँ पर उसका हम टेंथ प्लेस वाला फाइव काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम केवल थाउजेंड प्लेस वाला फाइव काउंट कर रहे हैं, सॉरी हंड्रेड प्लेस वाला फाइव काउंट कर रहे हैं। तो वी आर काउंटिंग ओनली फाइव एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जब आप सारी नंबर को ऐसे लिख दोगे ना वर्टिकली, समझ रहे हो ना, अगर सारी नंबर जैसे 001, 002, 003, 004, 005, है ना, ऐसे करके 555, 051, 052, तो हम ये वाले यूनिट प्लेस पे गए और देखे कितने फाइव मिल गए, काउंट कर लिया, फिर ये वाले प्लेस पे कितने फाइव मिल गए, काउंट कर लिया, फिर ये वाले प्लेस पे कितने मिल गए, काउंट कर लिया, बस उसी का सम है 300, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? Yes, वो जैसे जिसमें नंबर्स का सम निकालते थे वैसे। हाँ exactly, जैसे नंबर का सम निकालते हैं वैसे। और हम किस पे चले जाएंगे, अगला अगला क्वेश्चन तुम्हारा था 15, 16 हो गया, और कोई डाउट था इसमें सेवेंथ में? नो सर। चलो हाँ, इसमें तो बाकी सब तो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट है, तो डिवाइजर वाला तो बहुत ही बेसिक था कॉन्सेप्ट सारा। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, और किस में था सर? एट और नाइन्थ में। एट में आपने बोला क्वेश्चन नंबर 17, एट में 1, 2, 3 ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन पहले से इस तरह के किए हुए हैं आपके। टी एट का 17th क्वेश्चन, और ओके, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनर कैन असाइन 20 मार्क्स टू 5 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्क्स आर अवॉर्डेड इन इंटीजर्स इफ ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। अच्छा जी, अच्छा जी, सर क्वेश्चन नहीं समझ आया था आपके। बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये एक मिनट देखते हैं, इसमें अपर रिस्ट्रिक्शन भी लगेगी ना, इसलिए इसमें कोएफिशिएंट मेथड लगेगा जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। बोल रहे हैं क्या कि एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ एज इन विच एन एग्जामिनर कैन असाइन 20 मार्क्स देने उसको 5 क्वेश्चन पे, नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं दे सकता है किसी मार्क्स किसी क्वेश्चन पे, वो 0 नंबर दे सकता है या 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, ऐसा इंटीजर में ही दे सकता है। हर क्वेश्चन 10 नंबर का है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 10 है। हाँ यही दिक्कत है ना इसमें। तो अब वो बोल रहे हैं क्या कि और 20 मार्क्स 10 से ज्यादा दे नहीं सकता हो, तो इसको मान लो x मार्क्स दिया, इसको x2 मार्क्स दिया, इसको x3 मार्क्स दिया, इसको x4 मार्क्स दिया, इसको x5 मार्क्स दिया, तो हमें चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 20 के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस चाहिए। विद अ कंडीशन सच दैट एक्स आई इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 10। ये एक ट्रबल है जो दिक्कत क्रिएट कर रही है कि 10 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते आप, मैक्सिमम 10 ही असाइन कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली तरीका होता है, अभी अभी इसको आज डिस्कस तो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है,
इसके लिए थोड़ा सबको वेट करना पड़ेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है। किसी भी क्वेश्चन पे वो क्या क्या पॉसिबल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है टीचर, तो 0 या 1 या 2 जैसे डिवाइजर में करते हैं ना, या 3 या 4 या 5, मैक्सिमम कितना कर सकता है? 10। और यही वो हर एक क्वेश्चन के साथ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ भी यही पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हो सकते हैं। तो ऐसे 5 है तो इनटू सेम ऐसे लिख दो, x0 x1 x2, ऐसे कंटिन्यूड अप टू x10। थर्ड क्वेश्चन के लिए भी वही 0 1 अप टू x10, फोर्थ के लिए भी वही और फिफ्थ के लिए भी वही। और जैसे इसमें अगर देखो ना, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन को 0 मार्क्स दिया, एक को 2 मार्क्स दिया, अगले को 1 मार्क्स दिया, तो 2 1 3 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर एक को 7 दे दिया मान लो, या 10 दे दिया, तो 13 हो गया, फिर यहाँ से 7 ले लिया, तो एक पॉसिबिलिटी है 20 मार्क्स देने का। तो इन इस प्रोडक्ट में से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ टाइम्स x20 टर्म विल अकर, कि इसको मल्टीप्लाई करके x की पावर 20 जो आएगा वो एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा। जैसे x की पावर 0, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 एंड x की पावर 8, ये एक पॉसिबिलिटी है, इससे बनेगा मल्टीप्लाई करके x20 बनेगा। ये बताता है पहले क्वेश्चन में 0 मार्क्स, दूसरे में 5 मार्क्स, तीसरे में 4, चौथे में 3, पांचवे में 8, तो टोटल 20 मार्क्स डिस्प्यूट हो गए। इसी तरह से एक हो सकता है x5 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 and x5 and x0, ये भी x20। तो जितने x20 के टर्म है, each term of x20 gets us one possible way of distributing 20 marks. तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x20। इस पर पूरा डिटेल डिस्कशन होगा जब वक्त आएगा, तो है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इस एक्सपेंशन मतलब क्या, 1 + x + x² अप टू x की पावर 10 होल रेज टू द पावर 5, which is equal to coefficient of x की पावर 20। एक्चुअली लास्ट एक्सरसाइज में कई सारी प्रॉब्लम में ये चीज होगी। इन ये जीपी है, इसका एक्सपेंशन होगा क्या, 1 - x की पावर 11 डिवाइडेड बाई 1 - x होल टू द पावर 5, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन 1 - x की पावर 11 की पावर 5 इंटू 1 - x की पावर -5, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x20 इन 5c0 - 5c1 इंटू 11, अगला टर्म मेरे लिए यूजलेस है, इंटू इसका आएगा, इसका एक्सपेंशन जो आता है ना, ऐसा 1 - x की पावर -n का जो एक्सपेंशन आता है वो आता है n + r - 1 cr x की पावर r, समेशन r वेरीज 0 to infinity। n - r + 1 cr होता है, एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया, ऐसा होता है। तो वो एक्सपेंशन को हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा n की जगह क्या है, 5 है, 5 आ जाएगा, 5 - r + 1 cr x की पावर r, 6 - r, तो ऐसा आ जाएगा सिग्मा 5 + 1 6 - r cr,
That you have to check. I think it is n minus r plus 1 cr है कि n plus r minus 1 cr है. n 5 plus r minus 1 cr ही होगा. Anyway, जो भी होगा तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ठीक है. तो ये जो आंसर आएगा ना तो 6 r plus 4 cr आएगा. r plus 4 cr और x की पर r. और इस कोएफिशिएंट में तुम्हें क्या चाहिए? r की पावर x की पावर 20 चाहिए. तो देखो यहाँ जीरो के साथ तो 20 आएगा. तो 20 आएगा तो कोएफिशिएंट क्या आएगा? 24c. ये r plus 4 cr को r plus 4 c4. तो 24c4 माइनस 5c1 टाइम्स. अगर आपको चाहिए x की पावर 11, तो 11 यहाँ है तो यहाँ से 9 चाहिए. 9 प्लस 4 13C4. तो ये आंसर आएगा 24C4 माइनस 5C1 इंटू 13C4. मतलब ये कॉन्सेप्ट अलग से डिस्कस होगा बेटा, इसलिए इस पर मैंने अभी बता तो दिया आपको कि ऐसे ऐसे करना है, बट इस पर पूरा टाइम लगाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट. इसका आंसर अभी तुम्हारा आंसर जो होगा ना, चेक इट आउट, ऑप्शन अगर देखोगे तो वहां पर एक मिलेगा कोई ना कोई आंसर इसका. A17 का सी पार्ट, सी ऑप्शन करेक्ट. बट दिस इज अ कोएफिशिएंट मेथड. एज आई टोल्ड यू दैट आई विल डिस्कस इट इन डिटेल एक दो क्लास के बाद, ठीक है? अगले वीक में डिस्कस हो जाएगा ये मेथड, जब इनफिनाइट एक्सपेंशन थोड़ा बता देंगे तो हो जाएगा. और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? T8 में तो 17 ही तुमने बोला था, 17 के अलावा और कुछ था नहीं सर. टेक्सुअल 9 में आपने बोला क्वेश्चन नंबर 1, तो ये तो हो ही गया अभी थोड़ी देर पहले. 9 तो 9 में एक बार ना फिर से करूंगा, वो हो जाएगा 9. हाँ, और फोर्थ क्वेश्चन भी इसका था, पर्सन राइट्स लेटर टू सिक्स फ्रेंड एंड एड्रेसेस द कॉरस्पॉन्डिंग एनवेलप इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर बी प्लेस्ड इन द एनवेलप सो दैट एटलीस्ट 4 ऑफ देम आर इन रॉन्ग एनवेलप्स. मतलब है एटलीस्ट 4 इन रॉन्ग एनवेलप, मतलब क्या हुआ? 4 या 5 या 6. इसका मतलब है कि सर हम तो करेक्ट से करते थे, मतलब 0 1 2 करके, वो कि 1 करेक्ट 2 करेक्ट और 0. तो यहाँ भी तो वही आ जाएगा ना, 4 wrong and 6 letters है ना, तो 2 right 5 wrong 1 right and 6 wrong no right. तो no goes to correct place and 1 goes to correct place and 2 goes to correct place. Okay. Exactly. वो count कर लो बस खत्म. तो ये rearrangement वाला है problem, तो इसको आप कर लेना, नहीं होगा तो अलग से पूछ लेना, इसमें कुछ है नहीं, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है? तो इसको कर लेना आप कंप्लीट, ठीक है जी सर? अभी होगी ना एक और क्लास? हाँ अभी एक क्लास और होगी, और चलो ये अभी तो 6 बज गया, तो बाकी लोगों के लिए मैं जो है अभी बेटा सक्सेस के जो डिवाइजर्स की क्लास है वो कल होगी, ठीक है? एक और क्लास में क्या होगा इसके? असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, और इन कुछ डाउट जो है इसने से शेयर किए हुए मेहुल ने उसको डिस्कस कर लेंगे. सर वो ग्रुप पे भेज दोगे? हाँ अभी भेज देता हूँ, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ. सेम टाइम बेटे, सेम टाइम, यही जो आपकी टाइमिंग है एग्जैक्टली उसी टाइम में होगी. ओके 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 बाय.